हेलो, आप सब लोगों का एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। मुझे तो ये लाइन रट गई है, क्योंकि दिन में 3 वीडियो बनाती हूँ, तीनों में लाइन बोलती हूँ। अब स्वागत करना भी तो जरूरी है ना। स्टूडेंट्स भी तो भाई आज की पीढ़ी के हैं, बड़ा मान मनोबल करके उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारे ही फायदे के लिए बनाया जा रहा है। जैसे घर में नहीं देखते, मम्मी खाना बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, और पेट भरेगा खाने वाले का, लेकिन तब भी वो नखरे करते रहेंगे, बेटे बेटियां अभी भूख नहीं है, मम्मा ये क्या बनाया है, मैं मुझे नहीं खाना, और वो बेचारे पीछे पीछे घूमती है, अरे बेटा बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा तो खा के देखो। और जब बच्चे उसकी मान मनुआ के बाद खा लेते हैं तो उसको कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी तसल्ली मिलती है। अगर उसको गुस्सा आ जाए कि भाड़ में जाए, खाए तो खा ले, नहीं तो नहीं खाए, मुझे तो कोई नहीं पूछता, तो बहुत जल्दी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। और जो बना बनाया आप नहीं खा रहे, बना बना के पीछे घूमेंगे कि मम्मा प्लीज आप भी खाओ ना थोड़ा सा, तो ठीक यही बात है। टीचर साहब के पीछे घूमते हैं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो बाबू, तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हारे सिलेबस की चीज है, तुमको बड़ा खराब लगता है, काहे के लिए टीचर पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन देखो कि ये पीछे पड़ना प्यार के लिए है, साथ में अधिकार की भावना तो है ही, पता है ना, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है, और टॉर्च तो पुराना नाम हो गया होगा आप लोगों के लिए, कभी मशाल की जरूरत पड़ा करती थी सभ्यता के आरंभ में, फिर बिजली आई, टॉर्च आई, दुनिया भर की चीजें आई, लेकिन कुल मिला के सबके जरिए प्रकाश की बात की जा रही है, रोशनी की बात की जा रही है। अंधेरे के लिए रोशनी की जरूरत होती है ना, उसी तरह समाज में जो अव्यवस्था की अंधेरी रात है, असमानता और शोषण की जो लड़ाई है, लैंगिक असमानता, बाकी सभी असमानता, उसकी रोशनी के लिए किताबें रोशनदान ही नहीं सूरज का काम करती है। बिना सूरज हमारी पार नहीं पड़ सकती है, बिना किताबों के भी हमारी पार नहीं पड़ेगी। ठीक है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, जगजीत की वो गजल है ना, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, ठीक उसी तरह से बिना किताबों के भी पार नहीं पड़ती है। जिंदगी एक ऊंची बिल्डिंग भी नहीं कहूंगी, एक जेल है, तो किताबें उसमें खिड़की है, दरवाजा है, उसके जरिए वो आपको ऐसी जगहों की भी सैर कराएगी जहां आप वीजा पासपोर्ट टिकट लेकर आप कभी नहीं जा सकते, जो बहुत खर्चीली है, बहुत दूर है, और उन्हीं किताबों से आपको जोड़े रखने के लिए हमें तरह तरह के नाटक करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, आपके साथ दिलजोई करनी पड़ती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड की, ऊंचाई कहानी मनु भंडारी, यह हमारा सिलेबस चल रहा है। शिवानी, शिशिर और अतुल, शिवानी बच्चे को छोड़ते हुए अतुल की तरफ आई है, अतुल उसको अचानक और अकेले आए देखकर अचंभित है, विस्मित है, और तैयार नहीं है उसको उसका सामना करने के लिए। शिवानी पहले तो बैठ जाती है, नहाकर आती है, प्यार से उसको मनाती है। और कई बार एक चीज होती है कि जब हमें दुख होता है कि दोस्त ने हमें उपेक्षित किया, लेकिन हम उसके दुख का कारण जानते हैं तो हम बुरा नहीं मानते, हम दूसरा अस्त्र फेंकते, हम दूसरी तरह से बात करते। जैसे तुम्हारे दोस्त से तुम्हारा झगड़ा हो जाए, तुम सुनना चाहोगे कि वो बोले कि नहीं नहीं तुम तो अच्छे हो, तुम क्या बोलोगे, मैं तो हूं ही खराब, मेरा कौन दोस्त रहेगा, मैं तो हूं ही खराब, मेरी कौन फ्रेंड बनेगी। सामने वाला खुद ही झक मार के बोल देता, नहीं नहीं तुम खराब नहीं हो, दरअसल मुझे गुस्सा आ गया था। तो शिवानी ने देखा कि शिशिर क्यों आ गई, कैसे आ गई, और मैं तैयार नहीं था, तो वो बोलती है ना, कल के वीडियो में तो था कि एक तो हम जो सोचते हैं वही हो जरूरी नहीं, कई बार हमें अनपेक्षित रूप से, अप्रत्याशित रूप से वो मिल जाता है जिसको तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे दृश्य मिल जाते हैं, ऐसे शहर घूमने को मिल जाते हैं, ऐसे पल आ जाते हैं लाइफ में जिनके बारे में तुम सोचे भी नहीं थे कभी। और दूसरा वो कहती है कि ठीक है मेरा आना इतना ही बुरा लगा तो मैं सुबह चली जाऊंगी, मुझे नहीं पता था बिना निमंत्रण के तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए। अब इसके आगे हम वो पढ़ेंगे जो अतुल कहता है, अतुल का जो जवाब है, बुरा
बारे में बड़ी ऊंची और मीठी बातें सुनने के लिए हम ऐसी बातें करते हैं। तुम शायद सोच रही हो कि मैं विभोर होकर कहूंगा कि शिनू तुम क्या आई मेरे जीवन में बाहर आ गई, मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा मेरे पास रहो, पर ऐसा मैं कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं। वो कहता है कि जो तुम कह रही हो कि तुम्हें बुरा लगा तो मैं चली जाती हूँ। कभी कभी अपने बारे में बड़ी ऊंची ऊंची और मीठी बातें सुनने के लिए इंसान ये बातें कर लेता है। और तुम सोच रहोगे कि जवाब में मैं ये कहूंगा कि मैं एकदम विभोर होकर कहूंगा, एकदम भीग कर भीगे शब्दों में भावुक होकर बोलूंगा कि तुम क्या आ गई मेरे जीवन में बाहर आ गई। ये जो परमानेंट लाइन्स है कुछ प्रेषकों के लिए, तुम आ गए हो नूर आ गया है, इस तरीके से वो एक गाना था ना बड़ा फिल्मों में बजता भी है, बाहर फूल बरसाओ शादी बाग में, तो अभी तक काल से ही गाना बन चुका है। अरे वो क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में हम दिल बिछाने वाले हैं। भैया ये दिल कैसे बिछा सकते हैं राहों में, मेरे को तो आज तक ये प्रोसेस पता नहीं चली। तो ये मजाक बनाते हुए कह रहा है कि तुम सोचते हो कि मैं विभोर होकर कहूंगा कि तुम क्या आई मेरे जीवन में बाहर आ गई, और मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो, पर ऐसा मैं कुछ भी कहने नहीं जा रहा। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोच रहे हो, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। और वो कारण भी बताता है, संयम की वजह से नहीं वरन इसलिए कि मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि आकर तुमने उचित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं इतना संयमित हो गया हूं, मेरा अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल हो गया है कि मैं तुमको बोलूंगा कि तुम क्यों आई, नहीं, बल्कि इसके पीछे कारण ये है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि तुमको आना चाहिए था, तुम्हारे आने से बाहर आ गई। देखिए अब तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहा है। बरसों तक खेत में बारिश नहीं हो, जिस जमीन में बरसों तक बारिश नहीं हो, पत्थर कंकड़ ईंट रोड़े पड़े रहे, झाड़ झाकड़ कटीली झाड़ियां उगाए, वहां पर आप अचानक सोचोगे कि फूल खिल जाए तो नहीं हो सकता। उस मिट्टी को बहुत अधिक देखभाल की जरूरत होती है, पहले उसकी गुड़ाई, उसको उस मिट्टी को खोदा जाए, वहां पर से मत पत्थर निकाल दिए जाए, कंटीली झाड़ उखाड़ दी जाए, बांध करवाते ना खेत में हमारे ट्रैक्टर से, और सूढ़ उखाड़ते, कटीले पौधे उखाड़ना यानी उसके मन से कड़वी यादें मिटाना, और फिर उस पर ट्रैक्टर चलवाना, जमीन की नमी को कुरेदने की कोशिश करना, और तब बारिश होना, तब प्यार बरसाना। ये एकदम पथरीली जमीन की तरह हो चुका है, बंजर जमीन की तरह। अभी इसको नहीं लग रहा कि इसमें कोई कोपल फूट सकती है, लेकिन हर जमीन की तासीर होती है कि उसमें उगाया जा सकता है। पीपल को आपने देखा कितना जिद्दी है, इधर तो कुंड के अंदर 10-20 फुट नीचे जाके धरातल में धरती का सीना फाड़ कर जड़े निकाल लेता है, और उधर पहाड़ों में या किसी घर में ऊंची बिल्डिंग में चौथी मंजिल के किसी कोने से फूट जाता है। प्यार भी ऐसा ही होता है, पता नहीं कब किधर किस जगह से उसको गुंजाइश मिले, कोई रस मिले कि वो उग जाता है। अभी इसको एहसास नहीं है, अभी ये मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं चाहता हूं, और सच बताऊं तो ये तुमने बहुत बुरा किया आकर, यानी उसको नहीं आना चाहिए था। वो एक अलग लाइफ जी रही है, ये एक अलग जीवन जी रहा है, उसकी एक मैरिड लाइफ है, क्यों मतलब है कि जो चीज कहीं पहुंचती ही नहीं हो किसी अंजाम तक, उसको किसने शुरू करना, ऐसा इसको लगता है। अब शिवानी को इसकी बात से चोट लगी, कहीं हल्के से आहत होकर भी शिनू हंसी, उचित अनुचित का मेरा अपना भी विवेक है और मुझे उसके अनुसार ही चलने दो। एक लिमिट होती है बातों को सुनने की। शिनू को भी लगा, शिवानी को भी कि ये कुछ ज्यादा कड़वा हो रहा है, लेकिन चूंकि अपनी करवाहट और अपने आहत होने से ज्यादा इसको इस समय अतुल की पीड़ा की खबर थी, इसलिए अपना आहत होना भी ये इग्नोर कर देती है और बोलती है उचित अनुचित का मेरा अपना भी विवेक है और मुझे उसके अनुसार ही चलने दो। कि सोचने समझने की शक्ति तो उसमें भी है और उसका उसको इस्तेमाल करने दिया जाए।
अपना विवेक तुम अपने छात्रों को ही बांटने तक सीमित रखो तो ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। बात को हल्के में लेती है कि तुम लेक्चरर हो तो अपने विवेक को अपने छात्रों को देना, ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, तुमने शिशिर के साथ अन्याय नहीं किया, यह उसके प्रति छल नहीं है। आते समय जिस सहजता से तुम अपने ठहरने की बात बताकर आई थी, लौट कर भी उसी तरह बता सकोगी? यहाँ जो कुछ किया कह सकोगे उसे? अतुल अभी भी कहता है कि तुम अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि क्या तुम शिशिर के साथ अन्याय नहीं कर रही, ये जो तुम आ गई, ये उसके प्रति छल नहीं है। आते समय एक सहजता के साथ तुम बता के आई थी कि बेटे को लेके मैं अतुल से मिलते हुए आई हूँ, क्या लौट कर भी बता सकोगी कि बच्चे को छोड़ के मैं वापस उसके पास गई थी? यहाँ जो कुछ किया कह सकोगी उसे? ऐसा सवाल अतुल ने कर लिया जिस नग्न सत्य की उसको आशा नहीं थी। अतुल की इस जड़ता और क्रूरता से शिवानी एक तरह से तिल मिला गई। उसे शिशिर का ख्याल आया, उसके हल्के से स्पर्श तक से वह कैसा उन्मादी हो जाता है। इतना कठोर सवाल इसने पूछा कि इसका मन उदास हो गया, खिन्न हो गया, तिल मिला गई। और अचानक उसे शिशिर का ध्यान आ गया कि कैसे वो जरा सा भी उसको छू देती है, उसको स्पर्श करती है तो वो कितना उन्मादी हो जाता है, उसकी जो विवेक शक्ति है वो भी कम खत्म हो जाती है और उसके अंदर बस प्रेम करने की भावना रह जाती है। और यहाँ ये मर ही गया है जैसे। लेकिन आप सोचे कि इसको इसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए वो इतना बड़ा दाव चलती है? हो सकता है कि आप एक परंपरागत दृष्टिकोण से संपन्न स्त्री या पुरुष होने के नाते शिशिर का फेवर कर लो और आपको शिवानी में एक व्यभिचार स्त्री नजर आए, जिसकी की मुझे पूरी संभावना है। लेकिन आप एक पल को अतुल और शिवानी को भी लेकर सोचिए, जहां पर शिशिर नहीं था तब भी ये दोनों थे और उस रूप को आज ही कहीं नहीं पा रही है। इसके लिए एक जीवित आदमी, युवा आदमी एक डेड बॉडी की तरह बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि शिशिर को परे ठेल कर अतुल को सिर्फ एक हीलिंग देने के लिए, उसके जख्मों पर फाहा रखने के लिए ये क्या कर रही है? मैंने कल के वीडियो में बताया था कि टच इज द बेस्ट थेरेपी, वन ऑफ द थेरेपी तो है ही। आप कोरोना की बात सुनते हैं, कोरोना में लोगों को पकड़ के ले जाया जाता है और वहां उनके साथ जो सलूक होता है, ये वीडियो हमने इतने देखे हैं कि हम कोरोना से मरने से नहीं डरते। कोरोना में हमें कोई पकड़ के ले जाएगा और हमारे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा, हमारी माँ, हमारा पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे कोई नहीं होगा, और डॉक्टर और नर्स होंगे और वो भी हमें दूर से ट्रीट करेंगे, हमें बहुत भिकमंगों की तरह, कहना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान की तुलना नहीं हो सकती। अभी बहुत से लोग बोलते हैं अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है, आप जिसको शुरू से ही अछूत मान के व्यवहार कर रहे हैं वो तो हमेशा से ही आइसोलेटेड है, फिर उनका आइसोलेशन तो कभी खत्म नहीं हुआ। तो वो चीज ही मैं कह रही हूँ कि आप अछूतों की तरह बोलिए या भिखारियों की तरह बोलिए, आपको वैसे खाना सर्व किया जाएगा, दूर से फेंक कर पानी दिया जाएगा। इस डर से बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ नहीं बताते, वहां पे सब कुछ होता है, सिर्फ स्पर्श नहीं होता, अपना तो नहीं होता, प्यार नहीं होता। तो आप सोचिए कि 10-5 दिन हम वैसे रहने की कल्पना नहीं कर सकते, अतुल लंबे समय से वैसे रह जा रहा है तो कैसा लगता होगा। इसलिए शिवानी एक प्रकार से ढीठ हो गई है, अपने अपमान को सह करके भी वो वहां टिकी हुई है। अतुल ने दूसरी सिगरेट निकाली, माचिस की जलती सींक से एक क्षण के लिए प्रकाश के बड़े वृत्त के बीच एक छोटा वृत्त और बना दिया और फिर दोनों के बीच में धुएं की लकीर सी परत छा गई, लहरदार धुएं की। सिगरेट पी रहा है वो, सिगरेट का छल्ला बना रहा है, उन दोनों के बीच में बस सिगरेट के धुएं की दूरी बनी हुई है। ये क्या है सिगरेट का धुआं, क्यों लिख रही है कहानीकार ये सब, क्या जरूरी है इसको लिखने की? देखिए हर एक शब्द, वाक्य नहीं, हर एक शब्द की अपनी एक महत्ता होती है साहित्य में, यूं ही नहीं लिख दिया। जब कोई इंसान खालीपन का शिकार होता है तो उसके साथ में बहुत सारे नशे भी हो जाते हैं, बहुत खुश होकर के यूं ही कोई सिगरेट नहीं पीता, और सिगरेट पीने की मैं पैरवी भी नहीं कर रही। लेकिन जब बहुत उदास होता है इंसान तो इन धुएं के छल्लों में भी एक, जैसे वो नहीं बीत रहा, वो छल्ले नहीं बीत रहा, वो बीत रहे, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया नहीं है यहाँ पे,
वो जो धुएं निकल रहे उसके साथ में लगता है उसके दिल के अरमां भी निकल रहे। दिन नहीं बीत रहा है कैलेंडर में, एक और दिन वो भी बीत जाता है। तो ऐसा खालीपन अतुल के मन में है कि उसको शिवानी एक यंग लेडी उसके पास है, उसकी प्रेयसी उसके पास है, उसके अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं है, वो बस सिगरेट पी रहा है। हर बात को बुद्धि के गज से नापने का मेरा स्वभाव नहीं है। बहुत सुंदर पंक्ति बोलती है, बहुत प्यारी पंक्ति मनु की नायिका यहां बोल रही है कि हर बात को बुद्धि के गज से नापने का स्वभाव नहीं है। ये करूंगी तो क्या फायदा होगा, इस कदम से क्या नुकसान होगा, ये बड़े बुद्धिमान लोग, प्रैक्टिकल लोग, प्रोफेशनल लोग सोचते हैं। इमोशनल लोग फूल नहीं होते, हर पल को एंजॉय करते हैं। इमोशनल लोग रोते भी ज्यादा होंगे लेकिन जीते भी ज्यादा है। वो बुद्धि का गज इस्तेमाल नहीं करती, मैं वही करती हूँ जो मेरा मन ठीक समझता है, अंततः जो उसके दिल को सही लगता है वो वही करती है। बस इतना जान लो कि यहाँ आकर मैंने शिशिर के साथ धोखा नहीं किया, उनको छलने का साहस इस जन्म में तो मैं शायद ही कभी जुटा पाऊं। कहती है कि बस ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने शिशिर को ठगा नहीं है, शिशिर को छल सकने का साहस मैं इस जन्म में तो, यानी अन्य जन्मों पे कवियत्री कहानीकार की आस्था नहीं है, और इस जन्म में तो वो सोच भी नहीं सकती कि वो शिशिर को छल करे, ठगे। हाँ, किसी और को कुछ दिया जा सकता, आपके पास 2 रुपए हैं, आप अपने घर में रोज कमा के ले जाती है, सबको सब कुछ देती है, लेकिन एक दिन वो 2 रुपए आपने किसी अपने ऐसे मित्र को दे दिए जिनको उसकी बहुत जरूरत है, तो आपने कहीं से भी अपने परिवार से झूठ नहीं बोला, उनको तो आप देती आ रही है, देती रहेंगी। आपकी कमाई पे सिर्फ और सिर्फ परिवार का हक नहीं होता, आप किसी और को दे सकती हैं अगर आपका दिल गवारा करे, अगर आपको लगे कि बाकी लोगों के लिए तो आप बेहतर हमेशा ही जुटा लेगी, ये जो आपको देना है वो देना ही है तो दे सकते हैं। बात रुपए पैसे की है, बात शरीर की है, बात प्रेम की है, बात भावनाओं की है, बात केयर गिवर होने की है। किसी भी तरह से आप केयर गिवर हो सकते हैं। केयर गिवर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को टेबलेट खिलाओ, पानी पिलाओ, ब्रेड दो, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर इसको अतुल की केयर करने के लिए सबसे सही माध्यम देह का लगा था और उसका वो इस्तेमाल करना चाहती है। इसने शिशिर के साथ धोखे की बात इसके मन में कहीं पे भी नहीं। अतुल केवल सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता रहा, लंबे लंबे कश बस सिगरेट के खींच रहे। जब वह कश खींचता तो सिगरेट का सिरा सुर्ख अंगार की तरह चमक उठता, उसके बाद धुएं के हल्के हल्के बादल दोनों के बीच तैरने लगते। सिगरेट को कश के जब खींचा जाए तो उसका आगे का सिरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाता है, वही मतलब ये खोया हुआ, लिखने का मतलब ये। मेरी बात की कोई संगति तुम्हें नजर नहीं आ रही है, लगता है शायद मेरे मन की बात कोई समझ भी नहीं पाएगा, तुम भी नहीं, शायद शिशिर भी नहीं। जानती हूं अपने इस बात को प्रमाणित करने के लिए तर्क भी मैं जुटा नहीं सकती, वैसा कोई प्रयास भी नहीं करूंगी, फिर भी इतना जान लेना तुम जो कह रही हूं झूठ नहीं है। और उसका गला रुंध गया। देखिए, एक आम पाठक की हैसियत से जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप मोटे तौर पे देखेंगे कि एक पति पत्नी की लाइफ है और शादी के बाद किसी और को, पर पुरुष को शरीर देना एक घृणित काम उसने किया है, एक जैसे परिस्त्री गमन है, वे विचार है वैसे ही। अतुल की दृष्टि से देखेंगे तो देखिए, पुरुष का जो अहम होता है उसको इस बात से बहुत दुख होता है कि किसी और की पत्नी है। हम एक व्यक्ति स्वतंत्र की बात भूल जाते हैं, किसी और की पत्नी से मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ, वो हमारे लिए किसी और की चीज हो जाती है या किसी और का पति हो जाता है। और बहुत अर्थों में मैं बहुत सी चीजों के लिए कोई बढ़ावा देने के अंदाज में नहीं कह रही हूँ कि कल को आप मोटिवेट हो जाओ कि मैडम ने ऐसा कहा था, यहाँ पर परिस्थिति विशेष की बात हो रही है। तो ये अंत में हार जाती है और बोलती है कि देखो, वो सिगरेट ही पीता रहा, जवाब नहीं देता, तब कहती है कि मेरी बात की तो तुमको कोई संगति नजर नहीं आ रही होगी कि प्रेमी के पास आकर के इसको भी प्यार कर रही है और कहती है पति को तो मैं ठगने का सपना भी नहीं देख सकती। ये कैसे तुम दोनों बातें एक साथ कह रही हो सकता है, तुम नहीं समझो। और इतना भी कहती है कि मेरे पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क भी नहीं है और न ही मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई तर्क नहीं है जिससे मैं सिद्ध करूं कि ना मैं शिशिर के लिए गलत हूं ना अतुल के लिए। हाँ, यह कह सकती हूं कि मुझे न शिशिर ने समझा न तुम समझोगे,
हालांकि आगे आप देखेंगे कि शिशिर भी नहीं समझेगा, शिशिर को लगेगा कि इसकी पत्नी उल्टा है, चरित्रहीन है, और अतुल को लग रहा है कि किसी और की पत्नी उसके घर में आ गई है, वो शिवानी नहीं है, शिशिर की वाइफ है। ये इंडिविजुअल में किसी को नहीं देखना, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन के रूप में देखने का जो हमारा कंडीशन तरीका है वही यहाँ पर है। कहती है मैं नहीं समझा सकती, ना मुझे तुम जानते हो ना मुझे शिशिर जानता है, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी अतुल की, जो मैं कह रही हूँ उसमें झूठ नहीं है, मैं उसको भी ठग नहीं रही और तुम्हारे पास पूरे मन से आई हूँ, हमेशा शिशिर के पास पूरे मन से रहूंगी, मैं वहां भी 100% थी, मैं यहाँ 100% हूँ, मैं दोनों को चीट नहीं कर रही हूँ। ये बात कहते कहते शिवानी का गला भर आता है, बात से नहीं पर शायद स्वर की आर्द्रता से अतुल बेहद कातर हो आया। शिवानी का हाथ अपने हाथ में लेकर सामने की दीवार पर बड़ी खोई सुनी सी नजरों से देखता हुआ वह बोला, शिनू कभी सोचा भी नहीं था कि वो 11 साल बाद तुमसे मुलाकात होगी। लोग कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, पर देखता हूँ यह तो बहुत बहुत छोटी है। बात से तो वो नहीं पिघला, लेकिन जब बात कहते कहते शिवानी का स्वर गीला हो गया, शिवानी का गला भर आया, तो इस बात से वो एकदम द्रवित हो गया, उसका मन पिघल गया और शिवानी का हाथ अपने हाथ में हौले से लेकर वो दीवार को देखता हुआ बने। जब हम खोए हुए होते हैं तो शून्य में देखते हुए बातें करते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। इसी तरह कहता है कि शिवानी मैंने सुना था कि दुनिया बड़ी है, लेकिन देखता हूँ कि दुनिया तो बहुत छोटी है, 11 साल बाद में तुम मेरे सामने खड़ी हो। दो प्राणी भी बिना मिले जीवन नहीं बिता सके, हम दो प्राणी हैं, दोनों हम दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन और लोगों के तो छोड़ो, हम दो लोग भी एक दूसरे से मिले बिना पूरी उम्र नहीं गुजार सके, यानी एक मोड़ पे आके हमारा सामना हो ही गया और वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर वैसे खोए के स्वर में बोला, जब पुरी में मिला था, ऐसे खोए खोए जब पुरी में मिला था तब क्या सोचा था कि इस मुलाकात का यह परिणाम होगा? क्या मैंने सोचा था कि हम जो आज मिल रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, तुम मिल अचानक मिल गई हो मुझे समुद्र तट पर, क्या एक दिन हम इस तरह फिर से मिलेंगे? मैंने नहीं सोचा था। अपने जीवन के अभाव और दुख ने उस दिन मन को बहुत बेधा था, पर तुम्हें सुखी प्रसन्न देखकर मैं अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे सुख से सुखी होने का प्रयत्न कर रहा था। शिवानी को जब बच्चे के साथ देखा, भरे पूरे गृहस्थी में देखा, वो खुश थी, पति प्यार करता है, तो उसकी सुखी गृहस्थी, उसके भरे पूरे जीवन को देखकर अपने खालीपन को बहुत भीतर तक महसूस किया था अतुल ने। अतुल स्वीकार करता है कि उसका अकेलापन उसको बेध गया था, कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई लाइफ पार्टनर, ना बच्चे। और देखिए एक इंसान का होना कितना लाजमी होता है, कि सिर्फ लाइफ पार्टनर मतलब नहीं होता, उसके भरोसे आप 2 टाइम ठीक से खाना खा पाते, उसके टाइम आपको उसकी वजह से आपको ठीक से कपड़े पहनने का मन करता है, उसकी वजह से आपको घर में टिकने का मन करता है, आपको घर के लिए साज सज्जा की चीजें लाने का मन करता है। एक इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं होता, एक इंसान के साथ में अनगिनत भावनाएं जुड़ी हुई होती है, वो सब शिशिर के जीवन में तो थी, अतुल के जीवन में नहीं थी। अतुल को उस दिन ये बहुत बेधा था, लेकिन चूंकि वो एक अच्छा इंसान है तो उसके मन में कोई अपशब्द नहीं निकले, उसके मन से कोई बद्दुआ नहीं निकली, वो अपनी प्रेयसी के इस सुखी जीवन को देखकर सोचता है कि मुझे भी सुखी होना चाहिए। होता है ना, दो दोस्त कई बार एग्जाम देते हैं, एक निकल जाता है, पास हो जाता है, एक रह जाता है, तो अच्छा दोस्त क्या सोचता है? जो पास हो जाता है वो इसलिए रोता है कि मेरा दोस्त फेल हो गया, और जो फेल हो गया वो इसलिए खुश होता है कि कोई नहीं यार फिर से देखेंगे, नहीं मेरा दोस्त पास हो गया। तो यहाँ पर यही बात है, वो कहता है कि तुम्हारे सुखी जीवन में अपने को सुखी करने की कोशिश की थी मैंने, तुम मेरे सुख से सुखी हो या ठीक है, यह जीवन के लिए आदर्श हो सकता है, पर यदि मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं तो यह गलत है, यह अनुचित है। क्यों? बड़ा मार्केबल सवाल यहाँ शिवानी कर देती है कि मेरे सुखी जीवन से तुम सुखी हो सकते हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये आइडियल है कि आप दुखी होकर के भी दुखी नहीं हो क्योंकि आपका दोस्त सुखी है, लेकिन तुम्हारे दुखी जीवन से मुझे दुखी होने का हक नहीं है। तुम दुखी हो तब भी मैं अपने सुख में खुश होंगी, आई डोंट केयर, रहता होगा तुम कैसे भी, मुझे भी तो दुख हो सकता है, तुम्हारे दुख में दुखी रहने से मैं गलत हो गई, और मेरे सुख में तुम सुख महसूस करो तुम सही हो गई। क्यों? तुम्हें जीवन में अकेलापन नहीं लगता? तन्हाई की घड़ियां जिंदगी को बोझिल नहीं बना देती? यह सुना सा घर और उससे भी अधिक सुना मन तुम्हें कहीं से टीसता नहीं?
सीधा बिना मोड़े तोड़े बिना घुमाए सवाल करती है कि अपने जीवन में तुमको अकेलापन नहीं लगता? तन्हाई की घड़ियां तुम्हारे जीवन को उबाऊ और बोझिल, समय काटे नहीं काटता जैसा नहीं बना था? और ये जो सोना घर है तुम्हारा, इसमें कहीं किसी स्त्री के मतलब पायल की खनक या चूड़ी की खनक जैसे शब्द तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक और शरीर की गंध, एक और व्यक्ति की सांसें यहाँ नहीं है। एकदम निरा अकेला तुम यहाँ पड़े हो और तुम्हारे घर से भी ज्यादा सुना तुम्हारा मन टीसता नहीं है तुम्हें, तकलीफ नहीं होती? सब कुछ होता है शिमू, सब कुछ होता है, पर उससे क्या, उससे क्या? वो डूबे स्वर में, टूटे स्वर में वो कहता है सब कुछ होता है, लेकिन उससे क्या? कुछ दर्द हम जी तो सकते हैं, कुछ दर्द हमें महसूस तो होते हैं, लेकिन हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मेरे प्यार की लाश ने तुम्हें जीती जाती लाश बना दी है, मेरा प्यार ही तुम्हें नया जीवन भी देगा, मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। शिवानी ने अपना फैसला सुना दिया, कहती है कि उसके प्यार की लाश नहीं, उससे जीती जाती एक लाश बना दिया, उसको जीवन से दूर कर दिया। वो प्यार करता था, जब प्यार से दूर हो गया तो लाश बन गया। अब कहती है मेरा प्यार ही दोबारा तुम्हें जीवन भी भरेगा, एक बार और मैं तुम्हें वह प्यार करना चाहती हूँ जिससे तुम फिर से सांस ले सको। देखिए सांस तो वो ले ही रहा है, लेकिन सांस लेना भी सजा लगता है ना, गाना सुना होगा आपने। तो अतुल सिर्फ सांस लेने वाला पुतला बना हुआ है। वो कहती है कि मेरे प्यार के जाने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई थी, तुम निर्जीव जैसे हो गए, तुम्हें सजीव मैं बनाऊंगी, दोबारा प्यार को देखो, और ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। छीन, और उसने शिवानी का हाथ कसकर पकड़ लिया, बड़े प्यार से भीगे स्वर में वो इतना ही कहता है छीन। कई बार हम बोलते कम है और महसूस ज्यादा करते हैं, महसूस ज्यादा करवाते हैं। इसने भी शिवानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। देर तक शिवानी का हाथ उसके हाथ में कांपता पसीजता रहा था, उसके आंसू शिवानी के गालों और अधरों को भिगोते रहे थे। शीनू शीनू का स्वर मौन कमरे की दीवारों के बीच में कांप कांप कर गूंज उठता था। उसके पास लेटी थी, उसके हाथ पे अतुल के आंसू गिर रहे थे, उसकी पलकों से होते उसके होठों तक को अतुल के आंसू भिगो रहे थे, और इतने प्यार से धीरे धीरे कांपते सिसकते स्वर में वो शीनू बोल रहा था कि उस कमरे की दीवारें रह रहकर शीनू के नाम से कांप उठती थी। शीनू, शिवानी चौंक उठी, फिर से शीनू सुना तो शिवानी चौंकी। शिवानी वही पहाड़ की ऊंचाई पे शिशिर के पास लेटी है, शिशिर उससे बात कर रहा है। अब इन दोनों की बातचीत हम अगले वीडियो में देखेंगे, आज इतना ही। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, कनेक्ट रहिए। हैव अ नाइस डे।